और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर से बड़ी खबर, जहां कोहना थाने में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा सामने आया। ईसाई धर्म के लोगों पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया गया। कई आपत्तिजनक चीजें मिलने की बात भी सामने आई है। कोहना थाने के मन्नी पूर्वा पुराना कानपुर का ये मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या है पूरा मामला फिलहाल इस वक्त की अपडेट? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो कोहना थाना क्षेत्र के मन्नी पूर्वा का ये पूरा मामला है, जहाँ पे काफी समय से ईसाई धर्म के धर्मगुरु धर्मांतरण के काम को बढ़ावा दे रहे थे, धर्मांतरण के काम में तेजी से लगे हुए थे, जिसके चलते कल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जैसे ही इसकी भनक लगी मौके पर पहुंच गए, लेकिन कहीं ना कहीं ईसाई धर्म के जो धर्मगुरु थे वो मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल वहां से कुछ चीजें मिली है, जैसे वहाँ ईसाई धर्म ग्रंथ की जो किताबें हैं वो मिली, इसके अलावा कई आपत्तिजनक चीजें मिली है, जिसके बाद से जो पुलिस है मौके पर पहुंची थी, पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। फिलहाल जो ईसाई धर्म गुरु है उनकी उनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पूर्व में भी कानपुर में ऐसे मामले निकल के सामने आ चुके हैं, जिसमें बजरंग दल के विरोध के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और ईसाई समुदाय के लोगों को जो ईसाई धर्म गुरु है उनको पकड़ने के प्रयास जारी किए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले तेजी पकड़ रहे हैं, ईसाई धर्म के लोग हिंदू धर्म के लोगों को भड़का कर उन्हें ईसाई धर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको शिक्षा दे रहे हैं, जिस तरीके से उनको पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं, जिसके चलते ये पूरा प्रकरण कल देर शाम हुआ, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस क्षेत्रीय लोगों से जो ईसाई धर्मगुरु जहां पे ये पूरा अपना भाषण दे रहे थे वहां पर पहुंच कर पूरे मामले की पुलिस ने जांच करी और क्षेत्रीय लोगों से भी पूछताछ करी, आखिर कौन ईसाई धर्मगुरु थे जो यहाँ पे आके इस तरीके से धर्मांतरण के काम को अंजाम दे रहे थे। राहुल, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लोग वहां पर मिले जिनका धर्मांतरण कराया जा चुका है, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी देखिए, अभी जो बताया जा रहा है पुलिस द्वारा कि क्षेत्र के मनीषा गौतम नाम की महिला है, जिसके घर में ईसाई समाज के लोग आए थे और उसी के घर से वहीं से प्रवचन दे रहे, तो कहीं ना कहीं महिला को भी पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ की जा रही है आखिर कौन लोग थे, कहां से आए थे, क्या था, ये वजह तलाशी जा रही, क्योंकि उसके घर से जो धर्मांतरण के दौरान जो किताबें होती हैं वो धर्मों की ईसाई धर्म की किताबें मिली है, तो कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच करी जा रही, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं मनीषा गौतम का ये पूरा हाथ था, जिसमें बताया जा रहा है कि वो क्षेत्र के लोगों को भी हिंदू धर्म से भटका के ईसाई धर्म की ओर ले जा रही थी, जिसके चलते उसने अपने ही घर पे एक जनसभा का ईसाई जनसभा का आयोजन किया था, जिसके बाद बजरंग दल को भनक पड़ी और मौके पर पुलिस के साथ पहुंची और वहां जमकर हंगामा किया। इस दौरान जो ईसाई धर्मगुरु थे वो वहां से मौके से निकल गए थे। बिल्कुल, तो फिलहाल धर्मगुरु की तलाश वहां पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। राहुल, महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई, शुक्रिया आपका।